क्लास 10 रैपिड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास में जेंडर रिलीजन कास्ट। जैसे तीन टायर का ऑटो होता है वैसे ही तीन डायमेंशन का ये प्यारा सा चैप्टर है। पॉलिटिक्स के चश्मे से हम देखेंगे कि कैसे जेंडर रिलीजन कास्ट जो है वो सोसाइटी में चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉलिटिक्स से कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, जेंडर से जुड़े मुद्दे और उनके सॉल्यूशंस, रिलीजन में कम्युनलिज्म सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजीज, कास्ट इन पॉलिटिक्स में बबलू इन कार एंड कार ऑन बबलू के एग्जांपल्स के साथ में बबलू भाग गया है देखो बबलू। पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर शुरू होता है जेंडर एंड पॉलिटिक्स के साथ में। जेंडर को नेचुरल और अनचेंजेबल मान लिया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि जेंडर इज नॉट समथिंग विच इज गिवन बायोलॉजिकली। अच्छा, वो तो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और उसी सोशल कंस्ट्रक्ट के चलते पब्लिक प्राइवेट डिविजन आपको देखने को मिलता है, जहां सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है कि महिलाएं घर का काम करेंगी, पुरुष घर से बाहर का काम करेंगे, और इसी के चलते महिलाओं का घर से बाहर यानी कि पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन बहुत कम हो जाता है। आज खुश तो बहुत हो गया था। अब जब महिलाओं का पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन कम हुआ तो उन्होंने आवाज उठाना चालू करा, वोटिंग राइट्स की डिमांड करी, इक्वल राइट्स की बात करी, और वो व्यक्ति जो महिलाओं और पुरुष में इक्वल राइट्स की बात करता है उसे फेमिनिस्ट कहा जाता है। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? इन फेमिनिस्ट मूवमेंट के बढ़ने से महिलाओं को विश्व के अलग अलग जगह पे इक्वल हिस्सेदारी मिली भी, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, वहां पे वुमेन का पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा भी है। लेकिन हमारे देश की जब बात की जाती है तो हमारी सोसाइटी आज भी एक मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी है और उस कारण से वुमेन अलग अलग फ्रंट पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। पहली समस्या आती है एडुकेशन की। लिटरेसी रेट गर्ल्स का बहुत कम होता है व्हेन कंपेयर्ड विद बॉयज। इनफैक्ट स्कूल में आप देखोगे तो लड़कियां बहुत बेहतर परफॉर्म करती है लड़कों से, कोई हूटिंग नहीं करेगा। उसके बावजूद भी ड्रॉप आउट रेट जो है वो लड़कियों का ज्यादा है, क्योंकि फैमिलीज प्रिफर टू स्पेंड ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर बॉय चाइल्ड। दूसरी समस्या आपको देखने को मिलती है हाईली पेड जॉब्स में महिलाओं का प्रपोर्शन बहुत कम है पुरुष की अपेक्षा। तीसरी समस्या देखने को मिलती है कि कंट्री में इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है 1976 के अकॉर्डिंग मेल और फीमेल को बराबर पैसा मिलना चाहिए सेम काम के लिए, लेकिन पीपल प्रिफर टू गिव मोर मनी टू मेल वर्कर व्हेन कंपेयर्ड विद द फीमेल वर्कर। अबे तेरा 50% पक्का, मेरा 50%, बाकी बच्चे लोग। चौथी समस्या होती है यहां की सोसाइटी का मेल चाइल्ड के साथ में ऑब्सेशन। पेरेंट्स प्रिफर करते हैं कि उनका बच्चा, पहला बच्चा लड़का ही पैदा हो, और इस कारण सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस होते हैं, और इस कारण से सेक्स रेशियो कंट्री में कहीं कहीं 800 से भी नीचे गिर गया। आखिरी समस्या जो महिलाएं अपने प्राइवेट स्पेस तक में फेस करती है, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल फिजिकल सेक्सुअल हरासमेंट, और ये सारी समस्या, लेकिन हमें समाधान पे फोकस करना है कि विमेन के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से सिचुएशन सुधरी जा सकती है। लेकिन वहां भी एक समस्या है कि विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में less than 5%, पहली बार 2019 में 14% टच करा है लोकसभा में। तो यहां पे ये जो परसेंटेज है दिस इज नॉट जस्टिफाइड, इसीलिए लीगली बाइंडिंग होना चाहिए कि विमेन का शेयर जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू लेजिस्लेटिव बॉडीज में बढ़ाया जा सके, जैसे कि लोकल इलेक्शंस में 1/3 सीट्स रिजर्व्ड है। रिसेंटली ऐसा ही बिल अब पास हो चुका है जिसे विमेन को लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी रिजर्वेशन मिल जाएगा। जेंडर एज एन इशू पॉलिटिक्स में हाईलाइट करना बहुत अच्छा है क्योंकि उससे विमेन एम्पावरमेंट होता है। दूसरा डायमेंशन चैप्टर का है रिलीजन। कुछ आर्ग्यूमेंट से वो देखते हैं। पहले महात्मा गांधी कहते हैं कि जेंडर और रिलीजन को कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता है, और उससे उनका ये कहना है कि उसकी वैल्यूज को सेपरेट मत करो। कुछ लोग ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज जो है वो विक्टिम होते हैं जब भी कोई कम्युनल राइट्स वगैरह होते हैं। कुछ विमेन एक्टिविस्ट का ये आर्ग्यूमेंट रहता है कि रिलीजन के नाम पे, फैमिली लॉज के नाम पे महिलाओं के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब सवाल ये आता है कि रिलीजन का पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करना सही या गलत। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट में अगर जवाब दिया जाए तो पॉलिटिकल एक्ट्स रिलीजियस मैटर में तब तक सही है जब तक सारे धर्मों को समान रूप से ट्रीट किया जा रहा हो, और जब ऐसा नहीं होता है तो वो होता है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या है? एक सिंपल आइडियोलॉजी जहां पे आपको यह समझना होगा कि एक धर्म के लोग डोमिनेट करें दूसरे धर्म के लोग के ऊपर, और उस मेजोरिटी रिलीजन को डोमिनेशन में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही हो, यह होता है कम्युनलिज्म।
मतलब रिलीजियस अपील के थ्रू डोमिनेशन एस्टेब्लिश करना, ये फंडामेंटली अपने आप में फ्लॉड है। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट ना मैं देखना चाहता हूँ, मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये, इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। और इस आइडियोलॉजी का वेरियस फॉर्म्स आपको देखने को मिल सकता है सोसाइटी में, जैसे बहुत बेसिक फॉर्म में रिलीजियस स्टीरियोटाइप्स बनाना, ये धर्म के लोग तो ऐसे हैं, वो धर्म के लोग तो वैसे हैं, ऐसे स्टीरियोटाइप्स बनाना, प्रीजज करना। दूसरे लेवल पे आपको कम्युनलिज्म देखने को मिलता है कि एक जो कम्युनल माइंड होता है ना, वो पॉलिटिकल डोमिनेशन सीक करता है। अगर वो मेजोरिटी लीडर है तो वो अपने मेजोरिटी लोगों को एक साथ लाके माइनॉरिटीज को डराएगा, अगर वो माइनॉरिटी लीडर है तो वो सारे माइनॉरिटीज को ले जाके देश से अलग होने की बात करेगा। तीसरा फॉर्म आपको देखने को मिलता है कि रिलीजियस सिंबल्स का इस्तेमाल करना, रिलीजियस लीडर्स और कलर तक को बांट लेना, और इस तरह से लोगों के मन में डर पैदा करना, ये कम्युनलिज्म का एक फॉर्म देखने को मिलता है। और चौथा और अगलीस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म है इन द फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, दंगे हो जाना, आगजनी हो जाना, नरसंहार हो जाना। समस्या है, समाधान क्या है? समाधान है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म एक सिंपल आइडियोलॉजी जो कम्युनलिज्म को काउंटर करती है, जहां पे कोई भी ऑफिशियल रिलीजन ना हो, किसी एक रिलीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट ना दिया जाए, सभी धर्मों को समान रूप से ट्रीट किया जाए। क्या इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं डिक्लेयर करता है, आपको देखने को मिलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है आप किसी भी धर्म को फॉलो करो या किसी भी धर्म को फॉलो ना करो। डिस्क्रिमिनेशन धर्म के बेसिस पे बैंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और चौथी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो गवर्नमेंट को अलाउ भी करता है कि रिलीजियस मैटर में इंटरवीन करो, जैसे अनटचेबिलिटी को बैन किया, ट्रिपल तलाक को खत्म किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेक्युलरिज्म सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं है, वो इंडिया का बेसिक एग्जिस्टेंस का एक आइडिया है। चैप्टर का तीसरा डायमेंशन है कास्ट, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट इनइक्वालिटीज इंडिया के लिए बड़ी यूनिक है, क्योंकि जेंडर और रिलीजन का डिविजन तो पूरी दुनिया में मिल जाएगा, कास्ट इज स्पेसिफिक टू इंडिया। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। आपको ये देखने को मिलता है कि ये कास्ट सिस्टम हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिविजन पर बेस्ड था, मतलब कुछ लोग कुछ काम कर रहे थे इस कारण से उनका एक कास्ट बन गया, और यही पास ऑन होता चले गया कि उस कास्ट में बिलोंग करने वाले लोगों को वही काम करना है। लेकिन इसी बेसिस पे आपको देखने को मिलता है कि कुछ आउटकास्ट ग्रुप के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, जैसे अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा कमजोर भी हुआ है, क्योंकि कुछ सोशल रिफॉर्मर्स जैसे ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, इन लीडर्स के प्रयास के कारण कुछ चेंज आया। इसी के साथ साथ जो सोशल इकोनॉमिक चेंजेस आए, जैसे जमींदार की पोजीशन अब कमजोर हो गई तो अब वो कास्ट डोमिनेशन नहीं रहेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, लोग शिक्षित हो गए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता उनके बाजू में कौन रह रहा है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी आपको देखने को मिलती है कि अब लोग जो पिताजी काम कर रहे थे वो काम बच्चा नहीं करेगा, वो अपने ऑक्यूपेशन से मूव कर गया। और साथ ही साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, जहां पे अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया। इन कारणों से कहीं ना कहीं कास्ट हायरार्की और कास्ट सिस्टम ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से गया नहीं है। आज भी अगर आपसे पूछा जाए कि आप शादी कहां करोगे, तो पहली प्रेफरेंस आप अपनी कास्ट में देखोगे। तो इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का आज भी कास्ट से जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह आता है कि कास्ट कैसे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। तो पहली चीज, कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब देखते हैं कि कहीं भी चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव में सबसे पहले कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी का कंपोजिशन देखा जाता है, तब पॉलिटिकल पार्टीज लीडर देखती है, अगर इस कास्ट के लोग ज्यादा है तो यहां से यही लीडर को टिकट दिया जाए। दूसरी चीज, कास्ट सेंटिमेंट्स अपील किए जाते हैं ताकि उस कास्ट के लोगों को पटाया जा सके। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तीसरी चीज आपको देखने को मिलती है कि यूनिवर्सल लेवल फ्रेंचाइजी के आने के चलते अब आप किसी भी कास्ट को हल्के में नहीं ले सकते, कि हर कास्ट का वोट मैटर करता है। जलवा है हमारा। ये सारे आर्गुमेंट तो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है कंट्री में जिसमें क्लियर कट एक कास्ट की मेजोरिटी हो। दूसरी चीज, जब ये कहा जाता है ना कि एक कास्ट एक पार्टी के लिए वोट बैंक है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सारे वोटर्स उसी पार्टी को वोट दे रहे हो। मेजोरिटी लोग वोट देते हैं, लेकिन सारे नहीं। साथ ही साथ अगर मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एक कास्ट के लोग ज्यादा भी है, तो पार्टी ए ने अगर उसी कास्ट के कैंडिडेट को उतारा है, तो पार्टी बी भी खाना ही खाती है, उसका भी दिमाग चलेगा, वो भी उसी कास्ट के कैंडिडेट को उतार सकती है। और इनफैक्ट ये देखने को मिलता है कि एट टाइम्स जो रूलिंग एमपीज और एमएलए होते हैं, जो किसी एक कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आते हैं, वो हारते भी हैं। मतलब कि लोग अपने कास्ट प्रेफरेंस में, वोटिंग प्रेफरेंस में फ्रोजन नहीं है, वो चेंज भी कर सकते हैं वोटिंग राइट्स। तो कुल मिला के 100 बात की एक बात कि कास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन कास्ट इज नॉट ऑल अबाउट पॉलिटिक्स।
तो अच्छा पॉलिटिक्स इन कास्ट को समझा जाए कि पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है कास्ट के साथ में। इट कैन टेक सेवरल फॉर्म्स। जैसे कास्ट जो है अपने आप को बड़ा बनाने के लिए सब कास्ट ग्रुप को एक साथ ले आती है ताकि लार्जर वोटर बैंक को अपील कर सके। दूसरी चीज, कभी कभी कास्ट भी कोलिजन में आ जाती है, मतलब दो कास्ट एक साथ मिल जाती है, अलग अलग कास्ट है लेकिन लोगों को अपील करना है, वोटर्स को अपील करना, तो दो कास्ट ग्रुप एक साथ हाथ मिलाते देखने को मिलते हैं। तीसरी चीज जो होता ही नहीं है वो भी बना दिया जाता है, जैसे फॉरवर्ड कास्ट बैकवर्ड कास्ट। गेम इज सिंपल, वोट बैंक लाया जा सके। अब कास्ट और पॉलिटिक्स सही या गलत है, देखो रिलीजन पॉलिटिक्स के साथ में नेगेटिव था, जेंडर पॉजिटिव था, कास्ट का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। पॉजिटिव ये है कि कास्ट इश्यूज को जब पॉलिटिक्स में हाईलाइट किया जाता है तो उससे जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उसको राइट्स मिलता है, वॉइस मिलता है। लेकिन नेगेटिव ये है कि लोग रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे छोड़ के जाट गुर्जर ब्राह्मण राजपूत में उलझ जाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। This was the whole chapter. I hope you guys enjoyed it. इस chapter का full chapter explanation आपको इसी channel पे मिल जाएगा। अभी के लिए sign off करता हूँ। Signing off with this. Together we can, we will. Thank you very much.